बैरिंग चाहिए, कुछ बुशेस, रॉड, पट्टियाँ चाहिए, कटर चाहिए और बोल्ट चाहिए। ये तकरीबन सामान हमने सारा स्क्रैप से लिया है, तो आप इसमें नए भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्रैप से भी यूज़ कर सकते हैं।
अब हम इसको असेंबल करेंगे, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया और इससे वायर की अलाइनमेंट होगी। अब इसमें तार स्ट्रिप करने से पहले मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके और आपका कोई खर्चा नहीं होगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अब हम तार को इसमें अलाइनमेंट करेंगे, तार को डाल दिया ऐसे और इसके दोनों स्क्रूज को टाइट कर देंगे, ये टाइट हो गया, इसको टाइट कर लेंगे, टाइट किया, ये टाइट कर दिया। अब हम इसके कटर को ले आएंगे, कटर का इस पर प्रेशर दे देंगे लेकिन थोड़ी सी अलाइनमेंट सही नहीं है तो इसको हम थोड़ा सा स्टफ करेंगे। ये हमने खोल लिया, थोड़ा सा उस तरफ जाएगा क्योंकि इस तरफ थोड़ा सेंटर में है, ये तकरीबन सेंट हो गया। अब इसको टाइट कर दिया, ये टाइट करेंगे और ये अभी तार हमारी बीच में हार्ड हो गई है। अब हम इसको प्रेशर दे देंगे, कटर का प्रेशर देंगे, ये देखें कटिंग का प्रेशर आ गया। अब हम इसको वायर को खींचना शुरू करेंगे। अब हमने इसको खींचा, खींच किया, वायर निकला। अब हम इसको देखें आसानी के साथ इसको इसमें से निकाल सकते हैं।